हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू डिफेंस प्लेसेज आई एम नैना एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अनदर पार्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरी आज मैं आपके साथ साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ का पार्ट टू डिस्कस करूंगी उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है इंस्टा पे जाके फॉलो कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना ओके स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्थेटिस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी स्थेटिस्कोप की डिस्कवरी की थी डॉक्टर विलियम स्टोक्स ओके डॉक्टर विलियम स्टोक्स एंड रेने लेनिक क्या बोला मैंने स्थेटस्कोप की डिस्कवरी की थी डॉक्टर विलियम स्टोक्स एंड रेने लेनिक ओके नेक्स्ट हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बायो का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी ये की थी आपकी जेम्स वॉटसन एंड एक साइंटिस्ट और थे क्रिक ओके जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने की थी आपकी किसके डिस्कवरी आपके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अच्छा इसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में भी इन्होंने कौन सा स्ट्रक्चर लिया था आपका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर था वो डीएनए का ठीक है कौन सा स्ट्रक्चर था मॉलिकुलर स्ट्रक्चर दिस इज मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जेम्स वाट्सन एंड क्रिक ठीक है और इसके लिए इनको दोनों को नोबल प्राइज भी मिला था इसके लिए इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था और नोबल प्राइज़ कब मिला था इनको नोबल प्राइज़ मिला था आपका 1962 में ओके आपको तीन चार इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चल गई ना यहाँ पे डीएनए के बारे में जेम्स ऑन जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने इसकी डिस्कवरी की थी और इसमें भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी और इनको नोबल प्राइज़ मिला था 1962 में इसकी डिस्कवरी के लिए ओके okay, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को ठीक है देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका डीएनए का इसमें क्या होता है इसमें होता है आपका एडिनिन ठीक है एडिनिन ठीक है आपका होता है थाइमिन ओके और क्या होता है आपका ग्वानिन और होता है आपका साइटोसिन ओके ये चार होते हैं आपके इसमें डीएनए में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एडिनिन थाइमिन साइटोसिन और ग्वानिन अब एक इंटरेस्टिंग बात जो शायद सभी को पता होगी जो एडनिन होता है यहाँ पे वो डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है थाइमीन से ओके और साइटोसिन जो होता है आपका ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है ग्वानीन से ओके ये होता है हमारा डीएनए के अंदर अच्छा ये जो जिससे जुड़ा हुआ होता है इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं ठीक है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं ओके ये समझ में आ गया और डीएनए आप सबको पता है हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है ओके ये सभी को पता है अच्छा ये जो है ये आपका स्थेटास्कोप बना हुआ है ये स्थेटास्कोप बना हुआ है इसके थ्रू डॉक्टर क्या करता है आपके इंटरनल बॉडी के इंटरनल साउंड को सुनता है वो ओके इतनी बात समझ में आ गई डीएनए के बारे में नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ टेलीविजन बहुत कॉमन है सभी को पता होगा टेलीविजन की डिस्कवरी किसने की थी बेर्ड ने की थी ओके बेर्ड ने की थी आपकी okay? टेलीविजन की डिस्कवरी नाउ नेक्स्ट आते हैं अपने टाइप राइटर ओके टाइप okay? राइटर की डिस्कवरी की थी सी शोल्स ने की थी ओके okay? सी शोल्स ने की थी टाइप राइटर की डिस्कवरी ये होता है भाई आपका टाइप राइटर नेक्स्ट देखेंगे आप, आपका क्वेश्चन इंसुलिन इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी इंसुलिन की डिस्कवरी की थी एफ बैंटिंग ने ओके एफ बैंटिंग ने की थी आपकी इंसुलिन की डिस्कवरी ठीक है इंसुलिन आपका किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सबसे पहले तो ये देखो कि इंसुलिन आपका प्रोटीन से बना हुआ होता है ठीक है इंसुलिन आपका प्रोटीन से बना हुआ होता है जिन लोगों की डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं ना ठीक है तो इंसुलिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ब्लड शुगर के लिए ठीक है ब्लड शुगर के लिए आपका इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है और अब मैं बात करूं मैंने आपको क्या बताया एक चीज तो हो गई आपकी ये प्रोटीन से बना हुआ होता है और ब्लड शुगर के शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट चीज, चीज क्या बताई मैंने आपको इसकी डिस्कवरी एफ बेंटिंग ने की थी अब कुछ और चीजें जानते हैं इंसुलिन के बारे में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसके अंदर जेड जिसे हम बोलते हैं जिंक ठीक है ये प्रेजेंट होता है आपका इंसुलिन के अंदर ओके okay? इतनी बात समझ में आ गई तीन चार चीज़ें आपको अच्छी अच्छी मैंने बता दी अच्छा एक चीज़ अगर एग्ज़ाम में और पूछ ले तो वहाँ पे भी ये लिख यहाँ वहाँ पे मार्क कर देना कि इंसुलिन जो हम प्रिपेयर करते हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन जो हमारा प्रिपेयर होता है वो किससे होता है वो होता है आपका रूट्स ऑफ डहेलिया ठीक है रूट्स ऑफ डहेलिया ये एक प्लांट होता है डहेलिया का आई होप सभी को पता होगा ये उससे जो होता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे बनाया जाता है आपका इंसुलिन ठीक तो क्या क्या पता चला हमें इंसुलिन के बारे में कि भैया ये प्रोटीन से बना हुआ होता है और इसके डिस्कवरी भाई एफ़ बेंटिंग ने कर दी थी ब्लड शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें क्या होता है जेड एन आपका प्रेजेंट होता है ओके और दूसरी चीज़ एक और चीज़ एक्स्ट्रा याद करो कि इसकी अगर डिजीज पूछ ले कि इंसुलिन की कमी से आपको ब्लड शुगर तो हो रही है बट उस डिसीज़ का नाम क्या है तो उसका नाम है भैया डायबिटीज़ लिख लेना इसको डायबिटीज और ये हो गया मैलिटस ओके इससे ज्यादा इसमें इंसुलिन में बताने के लिए कुछ नहीं है सारे जितने भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सब बता दिया ठीक है कौन सी डिसीज हो जाती है भैया डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है नौ नेक्स्ट देखते हैं आपका जेट इंजन जेट इंजन की डिस्कवरी किसने की थी ये की थी आपकी सर फ्रैंक विटल ने ओके okay? सर फ्रैंक विटल ने की थी और ये कहाँ के थे ये थे आपके ग्रेट ब्रिटेन के कहा के थे ग्रेट ब्रिटेन के ग्रेट ब्रिटेन के थे ये, ओके? अब एक और चीज देखो जेट इंजन के बारे में। डिस्कवरी तो इन्होंने कर दी जेट इंजन की सर फ्रैंक विडल ने अच्छा इसका जो डिजाइन इसका जो डिजाइन प्रिपेयर किया था ना जो डिजाइन इसका तैयार किया था किसका जेट इंजन का वो किसने किया था ये भी देख लो क्या पता एग्जाम में ये भी पूछ ले है ना किसने किया था हें वॉन और ओहेन ये एक ही नाम है पूरा अलग अलग नहीं है ठीक है हैंस वॉन ओहेन और ये कहाँ के थे ये थे आपके जर्मनी के दैट्स इट आपको समझ आ गया नेक्स्ट देखते हैं अब आता है लॉ ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटी लॉ ऑफ हेरिडिटी सबको पता है ग्रेगर जॉन मेंडेल ने दिया था ग्रेगर मेंडेल ने दिया था ठीक है लॉ ऑफ हेरिडिटी में सबसे पहले ये जानो कि लॉ ऑफ हेरिडिटी होता क्या है ठीक है हेरिडिटी के हेरिडिटी के बारे में हम बात करेंगे हेरिडिटी क्या होता है देखो कोई एक कैरेक्टर है ठीक है कोई एक कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ठीक है जो ट्रांसफ़र होता है एक कोई कैरेक्टर पर्टिकुलर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं ठीक है ठीके? इसको हम कहते हैं हेरिडिटी और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भैया डीएनए एन रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल समझ आया तो इन्होंने लॉ ऑफ हेरिडिटी की डिस्कवरी की थी अब जान लो इनकी हेरिडिटी के बारे में इन्होंने सेवन पेयर्स ऑपोजिट करेक्टर लिए थे किस में लिए थे इन्होंने गार्डन पी पे रिस, रिसर्च की थी अपनी डिस्कवरी की थी गार्डन पी पे ठीक है जो आपकी गार्डन uh, पी होती है इस पर इन्होंने वर्क किया था और गार्डन पी में इन्होंने सेवन ऑपोजिट करेक्टर लिए थे ठीक है अपने रिसर्च पर्पस के लिए अच्छा अब एक और चीज़ नोट करो यहाँ पे गार्डन पी का नाम क्या होता है साइंटिफिक नेम क्या होता है तो वो होता है पाइसम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ मैं ठीक है इनको नोट करते हुए चलना पाइसम सेटिवम होता है ओके क्या बताया मैंने भी आपको रिवाइज करते हैं लॉ ऑफ हेरिडिटी का बताया मैंने ग्रेक ग्रेगर जॉन मंडेल ने की थी सेवन पेयर्स ऑपोजिट करेक्टर लिए थे किस में लिए थे गार्डन पी में गार्डन गार्डन पी का नाम पाइसम सेटेवम होता है और हेरिडिटी लॉ ऑफ हेरिडिटी के बारे में ये बताया मैंने आपको हेरिडिटी क्या होती है भाई एक करेक्टर अगर दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं और ये कौन ट्रांसफर करता है डी जो कि हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है दैट्स इट अब बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में ये तो सभी को पता है लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था भाई न्यूटन ने दिया था न्यूटन ने थर्ड तीन तीन लॉ दिए थे ना न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे फर्स्ट लॉ क्या था आपका द लॉ ऑफ इनर्शिया द लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया आपका फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ क्या दिया था इन्होंने सेकेंड लॉ आपका दिया था इन्होंने एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए फोर्स किसके इक्वल था मास इनटू इंटूरेशन के इक्वल था और थर्ड लॉ इन्होंने क्या दिया था द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ठीक है क्या बोला मैंने इन्होंने थर्ड लॉ दिया था द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ये हो गए आपके न्यूटन के लॉ तो लॉ ऑफ मोशन किसने दिया भाई न्यूटन ने दिया तीनों लॉ मैंने आपको बता दिए ठीक है अच्छा इनको नोबल uh, प्राइज मिला था ना न्यूटन को किसी चीज के लिए किस चीज़ के लिए मिला था न्यूटन को नोबल प्राइज़ तो इनको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए पीसीएस 2018 का क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आया है ठीक है कि न्यूटन को जो नोबल प्राइज़ मिला था वो किस फील्ड में मिला था पहले तो फिजिक्स के फील्ड में मिला था और किस लिए मिला था फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए ठीक है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए मिला था कब मिला था नाइनटीन में 1921 में मिला था इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊँ जैसे मैंने याद किया है देखो न्यूटन अच्छे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ठीक है उन्होंने जाहिर सी बात है कोई डिस्कवरी की होगी तो उनकी फ़ोटो भी तो क्लिक हुई होगी ना फोटो भी तो क्लिक हुई होगी ना बस ऐसे याद कर लेना इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट इससे याद हो जाएगा कि भाई इन्होंने 1921 में इसकी डिस्कवरी की थी और इसके लिए इनको नोबल प्राइज़ मिला था ठीक है समझ आया नेक्स्ट देखेंगे हम रडार रडार की बात करेंगे रडार की डिस्कवरी किसने की थी डॉक्टर ए एच टेलर एंड एल सी यंग ओके रडार की इन्होंने डिस्कवरी की थी नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर तो रेफ्रिजरेटर की डिस्कवरी की थी जेम्स हैरिसन एंड एलेक्जेंडर कैटलिन इनको यार, यार याद करने की कोई ट्रिक नहीं है इनको एज इट इज़ याद कर लेना एक दो बार पढ़ लेना अपने आप याद हो जाएंगे वैसे भी तुम तो ऑप्शन में देख के टिक कर दोगे इसको ठीक है किसने की थी रडार की डिस्कवरी डॉक्टर ए एच टेलर एंड एल सी यंग और रेफ्रिजरेटर की जेम्स हैरिसन एंड एलेक्जेंडर कैटलिन नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्सीनेशन अच्छा वैक्सीनेशन की डिस्कवरी किसने की थी वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी एडवर्ड जेनर ने किसने की थी एडवर्ड जेनर ने की थी वैक्सीनेशन की डिस्कवरी अच्छा इन्होंने जो फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनाई थी ना इन्होंने जब वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की तो जो फर्स्ट टाइम इन्होंने वैक्सीन बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई थी ठीक है जिसे आप हिंदी में छोटी माता भी कहते हो इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए क्या की थी इस डिस्कवरी की थी एडवर्ड जैनर ने अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखो इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है इसको एडवर्ड जैनर को नेक्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेटिंग मशीन कैलकुलेटिंग मशीन की डिस्कवरी किसने की थी वो की थी पास्कल ने ओके okay, ये तो सभी को पता होगा पास्कल ने की थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम के डिस्कवरी किसने की थी कॉपर निकस ने की थी फिफ्टीन नाइनटीन में याद कर लेना इंपॉर्टेंट है ये ठीक है सोलर सिस्टम की डिस्कवरी की थी आपकी कॉपर निकस ने ना फिफ्टीन नाइनटी में नेक आ, अच्छा यहाँ पे मैंने सोलर सिस्टम का हाँ ये राम देखो सोलर सिस्टम सभी को पता है सन होता है यहाँ पे आपका फिर देन उसके बाद में मरकरी है वीनस है अर्थ मार्स जुपिटर सैच्यून यूरेनस और नेपच्यून ये होता है ना आपका सोलर सिस्टम क्या क्या बोला मैंने ये सभी को पता होगा मर्करी वीनस अर्थ मार्स ठीक है जुपिटर सेचून यूरेनस और नेपच्यून ये याद कर लेना क्योंकि कई बार क्या होता है ये पूछ भी लेता है कि अर्थ के सबसे पास कौन सा है या सन के सबसे पास में कौन सा प्लानेट है ऐसे करके होता है ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट uh, क्या था हमारा डायनामाइट अच्छा डायनामाइट के बारे में देख लो डायनामाइट की डिस्कवरी की थी एल्फर्ड बी नोबल ने ठीक है इन्होंने की थी डायनामाइट के डिस्कवरी और ये एल्फ्रेड बी नोबल वही हैं जिन्होंने नोबल प्राइज़ स्टार्ट किया था कब नाइनटीन जीरो वन में ठीक है कहाँ पे स्टॉक हॉल में कहाँ पे स्टॉक हॉल में और ये कहाँ पे है ये है स्वीडन में अब मुझे कमेंट करके ये बताओ कि सबसे पहला नोबल प्राइज़ किसे मिला था इंडिया में ठीक है और वर्ल्ड में ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सबसे पहला वर्ल्ड में और इंडिया में नोबल प्राइज़ किसे मिला था नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायनामो की वो था डायनामाइट अब बात करेंगे डायनामो की डायनामो की डिस्कवरी किसने की थी मिशेल फराडे ओके मिशेल फराडे ने की थी डायनामो की डिस्कवरी क्या करता है डायनामो ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ओके okay? क्या बोला मैंने आपका जो ये डायनामो होता है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इसकी डिस्कवरी किसने की मिशेल फेराडे न आज का क्वेश्चन तुम लोग के लिए ये है मुझे कमेंट में ये बताओगे कि इलेक्ट्रिक मोटर की डिस्कवरी किसने की थी ओके okay? ये बताओगे तुम मुझे कि इलेक्ट्रिक मोटर की डिस्कवरी किसने की थी और क्या बताओगे नोबल प्राइज़ के बारे में कि इंडिया में किसे मिला था और वर्ल्ड में किसे मिला था ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत